मुंगेली जिला के लोरमी थाना क्षेत्र के घोरबंदा निवासी वकील बेदुराम रात्रे ने अपनी पत्नी को वापस लौटाने की गुहार लगाई है। वकील ने डॉक्टर रमेश कुमार कश्यप पर उसकी पत्नी को भगा ले जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित कहना है कि उसकी पत्नी अपने साथ 3 तोला सोना, चांदी, लच्छा सहित नगद रुपए भी लेकर के भाग गई है। वकील का आरोप है कि पुलिस उसकी शिकायत नहीं लिख रही है। 46 वर्षीय पीड़ित वकील बेदुराम रात्रे का आरोप है कि सरई पतेरा निवासी डॉक्टर रमेश कुमार कश्यप और उनके दो अन्य साथी वाहन क्रमांक CG 15-2958 में 17 दिन पहले रात करीब 8:30 बजे घर से बाहर आए थे। उसकी पत्नी को जबरन अपने वाहन में बिठा करके ले गए। घटना के दिन बारिश हो रही थी, इसलिए चौक में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाते हुए रमेश कश्यप उसकी पत्नी को लेकर के फरार हो गया। पीड़ित वकील पति का कहना है कि उसकी पत्नी को डॉक्टर रमेश कश्यप ने अपने साथ किसी अज्ञात जगह में रखा हुआ है, जिसे ढूंढने पर उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। मेरे 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं। मेरी पत्नी को परिवार वाले जानकर जबरन दूसरी पत्नी के रूप में रख लिया है। वहीं इस पूरे मामले में पीड़ित वकील बेदुराम रात्रे ने पत्नी को वापस दिलाने, सरई पतेरा निवासी आरोपी रमेश कश्यप सहित उनके 2 दोस्तों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। इस पूरे मामले में लोरमी के थाना प्रभारी राजकुमार साहू ने शिकायत मिलने की बात कही है। जल्द ही जांच के बाद उचित कार्रवाई करने को कहा। बहरहाल देखना होगा लोरमी पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।